हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लेप। लेप की डेफिनेशन क्या है, होता क्या है लेप? द्रव्यम आद्रम शीला पिष्टम, यानी द्रव्य है उनको आद्र करके, यानी जो आद्र द्रव्य है उनको शीला यानी जो पत्थर है उस पर पीस कर, शुष्कम वा सद्रवम तनु, यानी अगर शुष्क है तो उसमें कुछ द्रव मिलाकर जो है जब हम शीला यानी पत्थर पर पिष्ट यानी उसका मर्दन करते हैं तो जो तनु और देह के प्रलेपनार्थ यानी देह को लीपने के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम लेप बोलते हैं। बुद्धिमान लोग उसको लेप बोलते हैं। ठीक है, दो कंडीशन बताई है, अगर द्रव्य आद्र है तो उसको एज इट इज पीसना है, और अगर शुष्क है तो उसमें कुछ द्रव मिलाकर जो उसको शिला पर पीस लेना है, और जो तनु बन जाएगा उसका उसको हम लेप बोलते हैं। फिर आते हैं पर्याय क्या है लेप के, इसको लिप्त, आलेप, लेपन या लिपन भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, ये शोधन, रोपण, उत्सादन और स्नेहन ये सब काम करता है लेपन। अब आते हैं जो लेप है हमारा उसके टाइप्स क्या है। जो लेप होता है वो तीन प्रकार का होता है, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। अब ये जो प्रलेप है ये क्या होता है, शीत होता है, तनु है और अविशोषी है। जो प्रदेह होता है वो उष्ण और शीत दोनों तरह का हो सकता है, बहल यानी थोड़ा मोटा होता है और अबहु अविशोषी से ज्यादा विशोषी नहीं होता। जो आलेप होता है वो इन दोनों की मध्य की अवस्था है, मतलब ना ज्यादा शीत है ना ज्यादा उष्ण है, ना ज्यादा विशोषी है ना ज्यादा अविशोषी, इस तरीके से जो मध्यम वाली कंडीशन है वो हमारा आलेप होता है। जब हम लेप किसी व्रण पर यूज करते हैं, अगर हमने व्रण पर लेप यूज किया है तो उसको हम कल्क या फिर निरुद्ध लेप बोलते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारा जो लेप होता है उसकी मात्रा क्या होती है। आचार्य जो षडंगदर है उन्होंने इसका विशद वर्णन किया है। जैसे अगर हम दोषघ्न लेप का यूज कर रहे हैं यानी दोषों का शमन करने के लिए हम लेप का यूज कर रहे हैं तो वो 1/4 अंगुल होना चाहिए। अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो तो इसको अच्छे से अंगुल लिखना ही, मैंने शॉर्ट में लिखा है ए जस्ट। ठीक है, अगर आप विषग्न पर्पस से लगा रहे हो तो 1/3 अंगुल होना चाहिए। फिर आता है वर्ण्य कर, यानी वर्ण को अपना जो कॉम्प्लेक्शन है, फेस को कॉम्प्लेक्शन है उसको ब्राइट करने के लिए अगर यूज कर रहे हो तो 1/2 अंगुल। और बाकी जो आलेप होता है वो भैंस के आद्र चर्म की मोटाई के बराबर यूज करने को बोला है। ठीक है, बाकी हमें ये दोषघ्न, विषघ्न और वर्ण्यकर ये अच्छे से याद रखना है। फिर आती है अगर हम लेप यूज कर रहे हैं तो उसमें स्नेह की मात्रा यूज कैसे, जैसे अगर हम दोषों के लिए यूज करते हैं तो जिस भी चीज का हमने लेप लेप बनाया है उसमें हम थोड़ा स्नेह ऐड करते हैं, तो अगर हमें वातिक वात को शमन करने के लिए यूज कर रहे हैं तो स्नेह होगा 1/4, पित्त के लिए यूज करें तो स्नेह होगा 1/6, और अगर कफ के लिए यूज करें तो स्नेह होगा 1/8। इसका मतलब वात में हमने स्नेह का ज्यादा प्रयोग करना है, पित्त में थोड़ा और कफ में ज्यादा कम करें तो 1/8। ठीक है, फिर आती है जो हम लेप लगाते हैं उसकी विधि क्या है, हमने क्या करना है। सबसे पहले विधि में जो द्रव्य है हमने जिस चीज का भी लेप लगाना है उसको दोषों के अनुसार लगाना है, विषग्न पर्पज से या वर्ण्य कर, किस विधि से हमने यानी किस पर्पज के लिए लगाना है उसके लिए हमने जो ड्रग्स हैं जो जिन भी औषधियों का लगाना है उनको कूट पीस कर उनको एक कल की फॉर्म में लिया, बिल्कुल तनु यानी पतला कर दिया उसको, और फिर जो अफेक्टेड एरिया उस पर प्रतिलोम पद्धति से करना है, क्योंकि अगर हम अनुलोम विधि से लगाएंगे तो ये केवल रोम है जो हमारे हेयर्स होते हैं उन पर ही रह जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं हो पाता। अगर हम प्रतिलोम विधि से लगाते हैं तो ये रंध्र तक जाता है जो स्वेद वाहिनी उनमें प्रवेश करता है और अपना कार्य करने में समर्थ होता है। फिर लेप हमने लगा दिया, वो आर्द्र होने पर गुणकारी होता है, जब वो सूखने लगे थोड़ा तभी हमने उतार देना, यानी पूरा नहीं सुखाना हमने लेप को। फिर आती है इसकी प्रिकॉशंस कुछ यूज करनी होती है लेप के लिए, जैसे लेप के लिए हमने बोला है कि एक बार हमने कोई लेप यूज कर लिया तो ऐसा नहीं उसको उतार के रख लिया और दोबारा फिर यूज करें, एक बार जो यूज कर लिया उसको दोबारा यूज नहीं करते। दूसरा क्या है, अगर हम रात्रि में लेप हमारे निषिद्ध होता है, यानी लेप क्या होता है शीतलता देने वाला है उस एरिया को, अगर हम किसी भी बॉडी पार्ट पर जैसे लेप लगा के रखेंगे, ये बॉडी पार्ट है इस पे हमने इतने एरिया पे लेप लगाया है, लेप लगा कर रखने से क्या होगा शरीर की उष्मा अंदर ही बनाए रखेगा ये,
ये बाहर तो आने देगा नहीं, लेप शरीर की उष्मा अंदर बढ़ने लगेगी और अनेक प्रकार की जो है उसको उपद्रव हो जाएंगे पेशेंट को। तो हमने रात्रि में लेप नहीं लगाना, एक बार यूज किया हुआ लेपन द्रव्य दोबारा यूज नहीं करना है और सूखने से पहले उसको हटा देना है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेप अगर आपको आता है, जैसे दशांग लेप है वो भी सर्प में, विषग्न, शोथ, विदर, दिन में यूज किया जाता है। नागर आदि लेप आप संधिवात में, आमवात में यूज कर सकते हो। बाकुची लेप आप श्वित्र में यूज कर सकते हो। आम्लकी का लेप खालित्य पालित्य में, कुमकुम आदि का व्यंग में यूज कर सकते हैं। दाहनाशक लेप क्या होता है, जो बिल होता है हमारा, यानी जो सॉरी विभीतक होता है, जो बहेड़ा है, उसकी फल मज्जा का प्रयोग कर सकते हैं दाह और पीड़ा की शांति के लिए। मुख कांतिकर लेप में जैसे लाल चंदन, मंजिष्ठा, लोद्र, प्रियंगू, मसूर दाल, इनको संभाग लेकर जल में मिलाकर जब वो पीस कर आप लगा सकते हो। इंद्रलुप्त है अगर किसी को, तो जो कड़वा परबल होता है उसके पत्ते का रस लगा सकते हो आप। केशवर्धन के लिए तिल, पुष्प, मधु, घृ, गोक्षुर बीज, इनको गोघृत में मिलाकर लगा सकते हो। हेयर रिमूवर के लिए जैसे शंख चूर्ण है दो भाग लेकर, हड़ताल एक भाग, मनेशिला आधा भाग और सर्जिक क्षार एक भाग लेकर जल में मिलाकर जो उनको अच्छे से पीस कर जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। केश कृष्ण कारक लेप, यानी जो बाल है उनको काला करने के लिए त्रिफला, नील के पत्ते, भृंगराज, लोह चूर्ण, इनको हम जो है वो मूत्र में मिलाकर लगा सकते हैं। और बाकी श्वित्र नाशक जैसे स्वर्ण पुष्पी, मनेशिला, काशी, सैंधव, लवण, इनको जल में पीस कर। सूर्यावर्त या अर्धाव भेदक को नाश करने के लिए अगर हमें लेप लगाना है तो अनंत मूल, कूट, पिपली, वचन, इनको कांजी में पीस कर और स्नेह मिलाकर लगा सकते हैं। अग्निदग्ध में हम जैसे तिंदुक की छाल का गाढ़ा क्वाथ और घी है, इनको मिलाकर लेप कर सकते हैं। बाकी वंशलोचन, लाल चंदन, गेरू, गड़ूची, इनको पीस कर घृत में मिलाकर हम अग्निदग्ध में इनका लेप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया जो लेप है उसकी डेफिनेशन, उसके पर्याय टाइप्स क्या है, मात्रा कितनी यूज करनी है, उसकी विधि और उसके हम कुछ एग्जाम्पल।